हे hey गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं टेक व्लॉग मंत्रा मेरे साथ। कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन जल्दी खत्म होने वाला है। मजाक कर रहा हूँ, मे भी खत्म ना भी हो, मोदी जी इस चीज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो आने वाले 3 मई को पता चलेगा कि ये खत्म होगा या क्या होगा। लेकिन इस लॉकडाउन में एक अच्छी बात जरूर हो गई कि बहुत सारे लोगों का जो है वो हिडन टैलेंट सामने आ चुका है। बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग नए नए जो हैं वो TikTok पे वीडियो बना रहे हैं। मैंने भी TikTok पे वीडियो बनाना शुरू किया है। ये मेरा TikTok ID है, आप चाहें तो इसको फॉलो भी कर सकते हैं। मैं भी TikTok पे छोटे मोटे वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग TikTok पे बड़े ही सीरियसली वीडियो बनाते हैं। लेकिन कुछ जो नए लोग हैं जो अभी अभी जिन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया है, उनको एक चीज़ की दिक्कत आती है, वो है वीडियो को एडिट करने में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो वीडियो बनाया है उन्होंने वो उसको रो का रो ही डाल देते हैं, जैसा वो रिकॉर्ड हुआ है उसको बिना एडिट किए वैसे ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो उतना अच्छा नहीं बन पाता जितना वो अच्छा हो सकता था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने वीडियो को काफी अच्छा बना सकते हैं एडिट करके। स्मार्टफोन सभी के साथ पास है, जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो स्मार्टफोन से ही बना रहे हैं। किसी के पास बहुत अच्छा है, किसी के पास थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन सबके पास है जरूर। मैं आपको कुछ ऐसी ऐप्स बताऊंगा जो आपके स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉयड के अंदर चल पाएंगी और उसके थ्रू आप अच्छे से अपना वीडियो एडिट करेंगे और हो सकता है कि आपको उसके ऊपर बहुत अच्छे लाइक भी आए, आपके वीडियो के व्यूज भी इंक्रीज हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करके मैं बताता हूँ और पर्सनली मैं कौन सी ऐप यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहली ऐप के बारे में। ये है इनशॉट नाम की ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से इजीली आप ले सकते हैं। और इनशॉट के अंदर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो का ऑप्शन, फोटो का ऑप्शन और कोलाज का ऑप्शन। आप ये तीनों के तीनों कोई भी चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं। वीडियो अगर आप ऐड करना चाहते हैं, वीडियो के ऊपर आप कोई वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो सेलेक्ट करिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास ये वीडियो है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे एडिट करने के लिए। यहाँ पे आप कैनवस साइज चेंज कर सकते हैं, इसका कोई भी जो साइज है वो आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। बेसिकली जो इनशॉट का यूज होता है वो होता है ज्यादातर टिकटॉक वीडियोज के लिए। अगर आप टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी एडिटिंग मिल जाएगी करने के लिए। आप इसके अंदर वीडियो को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, वीडियो के साथ बहुत अच्छी एडिटिंग आप कर पाएंगे इसके अंदर। यहाँ से आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो म्यूजिक का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको म्यूजिक का इस्तेमाल करना है, इसके अंदर म्यूजिक आपको लगाना, कोई ऑडियो यूज करना है, यहाँ पे आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। किसी भी तरीके के आप अलग अलग स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेक्स्ट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, टेक्स्ट का आप इस्तेमाल कर पाएंगे अगर कोई टेक्स्ट यूज करना है आपको। अगर यहाँ पे आप कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं तो फिल्टर भी आप यहाँ पे लगा पाएंगे। जैसे आप कोई भी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है फिल्टर के अंदर, वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे आसानी से। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रिम करने का। अगर आपको कोई वीडियो जो है वो कुछ हिस्सा कट करना है आपको, जैसे ये वाला हिस्सा है, अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कट कर सकते हैं और इजीली इसको अलग से यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्लिट करने का ऑप्शन, वीडियो को आप स्प्लिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं कोई हिस्सा तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन और भी मिलेंगे काफी सारे, ब्लर अगर आपको बैकग्राउंड करना, ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। स्पीड आप किसी वीडियो की कम ज्यादा करना चाहते हैं तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, स्लो करना है तो स्लो हो जाएगी, ज्यादा करना है तो ज्यादा हो जाएगी, ये चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट अगर आपको कोई हिस्सा करना है इसका, वो हो सकता है, रोटेट आप कर सकते हैं वीडियो को। इसके अलावा फ्लिप कर सकते हैं वीडियो को। इसके अलावा फ्रीज कर सकते हैं, अगर आपको कोई सीन फ्रीज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिससे आपका टिकटॉक जो वीडियो है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। आप इस ऐप का इस्तेमाल जरूर करिएगा, फ्री है यूज करना, लेकिन इसमें कुछ पेड फीचर्स भी हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप 7 डेज का ट्रायल पीरियड ओवर होने के बाद अगर आप उसको करना चाहते हैं यूज, तो आपको परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरी ऐप है दोस्तों, वो है जानी मानी ऐप है, बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं उसको, वो है काइनमास्टर। काइनमास्टर का इस्तेमाल तकरीबन बच्चे जितने भी जो नए वीडियोस जो बनाते हैं लोग, वो ज्यादातर काइनमास्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट पे जाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। अगर आपने कोई बैकग्राउंड लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने वीडियोज और फोटोज के लिए ऑप्शन मिलेगा अगर आप कोई वीडियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे अगेन मैं ये वीडियो यूज करता हूँ,
इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे आप, यहाँ पे आप कोई भी थीम अगर यूज़ करना चाहते हैं वीडियो के लिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ओपनिंग के लिए कोई, जैसे वीडियो ओपन होता है तो यहाँ पे आप उसका कोई टेक्स्ट दे सकते हैं, कुछ भी अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो। इसके अलावा नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये ज़्यादातर जो है अगर आप लैपटॉप के अंदर एडिटिंग करते हैं वैसा ही, तकरीबन तकरीबन वैसा ही आपको ये इफेक्ट देगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, इफेक्ट मिल जाएंगे। ये भी एक पेड ऐप है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इसका जो है वो पेड ऐप यूज़ नहीं करते हैं, इसका जो है वो मॉडिफिकेशन वाला ऐप यूज़ करते हैं, जो काइनमास्टर मोड के नाम से काफ़ी जगह अवेलेबल है। उसके अंदर वाटरमार्क आपका नहीं आएगा अगर आप कोई भी वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो, लेकिन अगर आप नॉर्मली प्ले स्टोर से इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको वाटरमार्क जरूर आएगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ पैसे हैं, कुछ रुपए हैं, अगर आप वहाँ पे जाके इसको अगर बाय कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो ऐप ऑथराइज तरीके से भी आ पाएगी और उसके बहुत ज़्यादा फीचर्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगे पेड के अंदर। मॉडिफिकेशन के अंदर कई बार जो है लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं, कई लोगों की सही भी चलती है, कई लोगों की नहीं भी सही चलती है, लेकिन आप उस ऐप को, मॉडिफिकेशन वाली ऐप को आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर कोई भी नए फीचर्स है वो ज़्यादातर ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पेड यूज़ करते हैं, कुछ रुपए आपके लगेंगे वो आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको पेड फीचर्स मिलेंगे। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि एडिट करने के लिए क्या क्या फीचर दिए गए हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलेंगे लेयर्स का ऑप्शन, आपको मिल जाएगा अगर आपको कोई मीडिया लगाना है या इफेक्ट लगाना है या ओवरले का इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट लगाना है, हैंडराइटिंग लिखना है, कुछ भी अगर आप अपने हाथ से यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सारे आपके पास कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे, इसके अलावा आप इसको इरेज करने का भी ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा बहुत सारे लेयर्स के अंदर और भी ऑप्शंस थे। मीडिया ब्राउज करने का ऑप्शन, अगर आप कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं या फोटो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑडियो लगाने का काफ़ी सारा ऑप्शन है, यहाँ पे आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऐप जो काइन मास्टर ने जो प्रोवाइड किए हैं वो भी साउंड आप इसके अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल अगर आप YouTube पर चेक करेंगे, मैं तो इसका कोई ट्यूटोरियल बनाने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो चीज़ आप YouTube पर जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं और आप इस चीज़ को सीख सकते हैं बड़े ही आसानी से। एक बार इसके लिए हैंडी हो जाएंगे तो आपके वीडियो स्मूथली आप एडिट कर पाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको थर्ड ऐप बताने वाला हूँ, उसका इस्तेमाल जो है मैं पर्सनली भी करता हूँ, पावर डायरेक्टर का मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को ये ऐप पसंद आ रही है फिलहाल के टाइम पे। मैं पहले काइनमास्टर यूज़ करता था लेकिन उसके अंदर एक इशू आ रहा था मेरे को कि वहाँ पे जो है वाटरमार्क था, मैंने पेड इस्तेमाल नहीं की और मैंने फिर मॉडिफिकेशन वाला यूज़ किया था लेकिन उसके अंदर मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया, इसी वजह से मैं पावर डायरेक्टर पे आ गया हूँ। फिलहाल पावर डायरेक्टर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, अपने जो वीडियो मैं एडिट करता हूँ, जो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे भी हैं या फिर मेरे टिकटॉक पे भी वीडियोस जो पड़े हैं कुछ, वो वीडियोस भी हैं वो सारे के सारे मैंने पावर डायरेक्टर में ही बनाए हैं। दूसरी यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर आप जो वीडियो अगर आप कैमरा से भी शूट करते हैं, DSLR से भी, उसकी क्वालिटी को डाउन नहीं करता है पावर डायरेक्टर। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि मैं अगर जो वीडियो कैमरा से, मेरे पास DSLR कैमरा है, मैं उससे अगर कोई भी वीडियो बनाता था तो मैं अगर उसके अंदर काइनमास्टर के अंदर उसको जाके एडिट करता था और उसको जब एक्सपोर्ट करता था तो उसकी जो क्वालिटी है वो कंप्रेस होकर आ रही थी, जिसकी वजह से उस वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती थी। पावर डायरेक्टर के अंदर मेरे को ये चीज़ देखने को नहीं मिली। यहाँ पे मैं 4K में भी और यहाँ पे फुल HD वीडियो भी एक्सपोर्ट कर पाता हूँ ईजीली और उसकी क्वालिटी भी डाउन नहीं होती। जहाँ तक पावर डायरेक्टर की बात है, इसके अंदर भी लगभग काइनमास्टर जैसे ही सीन है, लेकिन काइनमास्टर से कुछ ज़्यादा मेरे को इफेक्ट यहाँ पे फील हुए कि यहाँ इसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट अवेलेबल हैं। और इसके भी दो वर्जन हैं, आप ऑफिशियल वर्जन भी ले सकते हैं और इसका जो मॉडिफिकेशन वाला वर्जन है वो भी अवेलेबल है। 30 ये शायद 60 MB के करीब की ऐप है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशो दिए गए हैं, आप किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, 16:9 का भी है यहाँ पे, 9:16 का भी है, 1:1 का भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप जो यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपके वीडियो का फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। ज़्यादातर टिकटॉक वाले जो हैं वो ये 9:16 वाला यूज़ करते हैं ताकि जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो वीडियो है वो वहाँ पे ज़्यादा चलते हैं, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं एडिटिंग के लिए।
मैं यहाँ पे ज़्यादातर 16:9 का करता हूँ क्योंकि मैं YouTube पे ज़्यादा वीडियो डालता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी वीडियो, अगर कोई भी वीडियो आपके पास है उसको यहाँ पे आप ब्राउज़ करिए और उसके बाद यहाँ पे आप एडिटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एडिटिंग टूल मिल जाएगा। आप एडिटिंग टूल के अंदर आप जाएंगे तो आप इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं वीडियो को, इसका कोई डुप्लीकेट एक और इसके साथ बनाना चाहते हैं सेम टू सेम वो चीज़ आप कर सकते हैं। स्किन के लिए यानी कि आपका जो फेस है, फेस अगर आपका जो वीडियो के अंदर उसको आप काफ़ी सुधार सकते हैं यहाँ पे स्किन स्मूथनर के थ्रू। स्पीड वीडियो की कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो। इसके अलावा यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं वीडियो को, कलर चेंज कर सकते हैं वीडियो के, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कलर चेंज करने के लिए। कोई भी कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कलर करेक्शन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप कर पाएंगे आराम से। इसके अलावा यहाँ पे आप रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स का ऑप्शन है। कोई भी वीडियो अगर काफ़ी सारे लोग इफेक्ट यूज़ करते हैं रिवर्स का तो वो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर पाएंगे। वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए भी एक बहुत बढ़िया फीचर दिया गया है जो कि काइन मास्टर में भी नहीं है और ना ही इनशॉट के अंदर और ना ही मैंने किसी और ऐप के अंदर फिलहाल देखा है। तो यहाँ पे आप वीडियो को अगर स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। शार्पनेस इंक्रीज करना चाहते हैं वीडियो को, पैन जूम करना चाहते हैं, ये इफेक्ट भी बहुत अच्छा दिया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा फ्लिप कर सकते हैं वीडियो को, तो काफ़ी सारे वीडियो के अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मेरे को काइन मास्टर से ज़्यादा मिले हैं यहाँ पे, तो इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हैं वीडियो को, अगर आप कोई एडिट करना चाहते हैं वीडियो का कोई हिस्सा कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप कट भी कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ है उसको छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसा भी आप चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट दिए गए हैं, एफएक्स इफेक्ट है यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा ट्रांजिशंस भी हैं, अगर आप कोई ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई वीडियो का आपने कट किया बीच से और यहाँ पे आप कोई ट्रांजिशन लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आप ऑडियो की सेटिंग्स कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑडियो कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स जाएंगी, यहाँ पे आप इमेज की ड्यूरेशन है, जो भी आप एडिटिंग के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो सेटिंग्स दी गई हैं एडिटिंग के लिए, उनकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे आप बैकएंड में कर पाएंगे आराम से। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप सेव प्रोजेक्ट करिए, वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4K का भी ऑप्शन मिलेगा जो कि अल्ट्रा HD का है। मैंने अभी तक किसी भी ऐप के अंदर ये चीज़ नहीं देखी। इसके अलावा फुल HD का इस्तेमाल आप कर पाएंगे, SD का भी इस्तेमाल है यहाँ पे और HD वीडियो के अंदर भी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप मेरे को यूज़ करने के लिए लगती है, तो इसी ऐप का इस्तेमाल मैं पर्सनली वीडियो एडिटिंग के लिए करता हूँ। इसके अलावा जो है फिल्मोरा गो करके एक ऐप है, इसका आपको PC वर्जन भी मिलेगा और पावर डायरेक्टर जो है साइबर लिंक की है, इसका भी आपको PC वर्जन मिल जाएगा। अगर आपको अपने लैपटॉप के अंदर या PC के अंदर इस ऐप को डालना है तो वहाँ भी आप डाल पाएंगे। काइन मास्टर का और इनशॉट का आपको PC वर्जन नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिल्मोरा का भी आपको PC वर्जन मिल जाएगा, अगर आपको लेना है तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिल्मोरा गो की वेबसाइट पर जाके आप ले सकते हैं, इजीली परचेज करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ भी दिक्कत यही आएगी कि विदाउट पेड अगर आप लेते हैं तो वो आपको साथ में वाटरमार्क जो किसी भी ऐप का वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप चाहें तो क्रिएट न्यू वीडियो पे जाएं, यहाँ पे कोई भी आप वीडियो जो है आप इस्तेमाल करिए। इसके अलावा ये मैंने वीडियो ऐड कर लिया यहाँ पे, इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे एडिट करने के लिए। एडिट टूल का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सारे एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। ट्रिम कर सकते हैं, क्लिप को आप काट सकते हैं जहाँ से आप चाहें, क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर सकते हैं, सबटाइटल है टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तकरीबन वही सेम ऑप्शन तकरीबन सभी ऐप्स के अंदर है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हैं और आपको कौन सी ऐप ज़्यादा ईजिली आपके साथ हैंडी हो सकती है जिसका आप फटाफट से एडिटिंग कर पाएं। तो इसके अंदर तकरीबन वही सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यही चीज़ें इसके अंदर हैं। एक्सपोर्ट भी आप सेम तरीके से कर पाएंगे। आई होप आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा और अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप कैसे अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर बड़े ही आसान तरीके से। जो लोग वीडियो नया बनाने शुरू किए हैं उनके लिए ये काफ़ी काम आएंगी और जो लोग इनका इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं उन्हें तो सब पता ही है, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा मेरे पास है नहीं। जिन लोगों ने नए वीडियो बनाने शुरू किए उनको बेस्ट ऑफ लक, और बनाइए अपने वीडियो और अच्छे से एडिट करिए और बहुत सारे लाइक पाइए और बहुत फेमस हो जाइए। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाइए और बने रहिए आने वाले वीडियोज़ के लिए टेक ब्लॉग मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।